हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वंस अगेन आज हम बात करते हैं ईवीए क्या होता है। ईवीए हमारा प्लास्टिक मटेरियल सब्जेक्ट का ही है, आपके फर्स्ट चैप्टर का। आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है ईवीए। ईवीए स्टैंड फॉर इथाइलिन विनाइल एसीटेट, यानी कि ईवीए की जो फुल फॉर्म होती है वो इथाइलिन विनाइल एसीटेट होती है। ये बनती किससे है? ये हमारे इथाइलिन और विनाइल की कंपोजिशन से पॉलिमराइजेशन होती है, उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, इसे हम कहते हैं ईवीए। ईवीए अलग ही प्लास्टिक है, यानी कि हम इसे रबर भी कह सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारी रबर होती है वो प्लास्टिक से बनती है। कुछ रबरें होती हैं उनमें से एक रबर ये भी है, इसे हम रबर भी कह सकते हैं और इसे हम ईवीए प्लास्टिक भी कह सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट प्लास्टिक है, इसकी बहुत अलग ही प्रॉपर्टियां होती है। ज्यादातर इसको जो यूज किया जाता है वो रबर की फॉर्म में यूज किया जाता है। जो हमारी ईवीए होती है वो हमारी 3 टाइम एज कम्पेयर लो डेंसिटी पॉलीथीन के मोर फ्लेक्सिबल होती है, इसीलिए इसे हम रबर भी कहते हैं। और इसकी रबर इलास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए हम इसको वल्केनाइजेशन रिएक्शन भी कराते हैं, ताकि इसकी जो इसको हम रबर के फॉर्म में ज्यादा यूज कर सके। इसका जो ज्यादातर यूज होता है वो रबर के फॉर्म में होता है। और जो हमारी ईवीए होती है, ईवीए हमारा जो इथेलिन होता है वो हमारा फिक्स होता है, यानी कॉन्स्टेंट होता है, जितनी होती है उतनी रहती है। जो हमारा जो वैल्यू जो वेरीज करती है, कम ज्यादा होती है, वो विनाइल एसीटेट के लिए होती है। एज हमारी नीड होती है उस हिसाब से हम इसकी इलास्टिसिटी को कम ज्यादा कर लेते हैं, हम इसकी विनाइल एसीटेट के कंपोजिशन को कम ज्यादा करके। तो ये था हमारे ईवीए। ईवीए हम इसकी यूजेस और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं क्या होता है। जो हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 96 से लेके 105 सेंटीग्रेड तक होता है, यानी कि इसके यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, उसके बाद ये वेरीज करता है, ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब आता है डेंसिटी। डेंसिटी होती है इसकी 0.92 से लेके 0.94 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। और इसका और वाटर प्रूफ भी होती है। वाटर प्रूफ को मतलब यानी कि जब आप इसी आप कोई भी चीज कनेक्ट करते हो तो उसमें सीलेंट के काम में आती है। उसमें जैसे कोई भी चीज आप कनेक्ट करते हो आप स्क्रू के थ्रू, तब उसमें आप सील ना आ जाए, इसीलिए हम उसके बीच में से लगा लेते हैं। ये एक लेयर का काम करती है, इंसुलेटिंग लेयर का काम भी करती है। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, यानी कि अगर हम किसी पे कोटिंग कर देते हैं तो यूवी रेडिएशन से हम इसे बच सकते हैं, ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यूवी रेडिएशन का, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस का। उसके बाद नॉन टॉक्सिक, यानी कि नॉन टॉक्सिक का मतलब जहरीली नहीं होती है। आप बहुत सी प्लास्टिक होती है, ज्यादातर प्लास्टिक नहीं होती, लेकिन जो थर्मोसेट प्लास्टिक होती हैं और भी थोड़ी सी जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की जो प्लास्टिक बनी होती है वो थोड़ी सी टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, खाने से हमें कोई बीमारी लग सकती है या कुछ भी हमारे इन्फेक्शन वगैरह हमारे मुंह में हो सकता है, या हम कोई भी चीज यूज करें हमारे हाथों में भी लग सकती है, तो ये नॉन टॉक्सिक होती है। फिर आता है गुड स्ट्रेस क्रैक रेजिस्टेंस, यानी कि मैंने आपको बताया एस कम्पेयर लो डेंसिटी पॉलीथीन की 3 टाइम मोर फ्लेक्सिबल होती है, इलॉन्गेशन पावर इसकी अच्छी होती है, यानी कि खींच सकते हैं। और क्रैक रेजिस्टेंस का मतलब कि जब मतलब कुछ हद तक हम इसको खींच सकते हैं, ये टूटेगी नहीं ना ये फटेगी, लो डेंसिटी पॉलीथीन की एस कम्पेयर ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और ये थोड़ी लाइट वेट में भी होती है एज कम्पेयर लो डेंसिटी पॉलीथीन के। ये रबर होती है, हम इसको पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं ये हमारी प्रॉपर रबर होती है। वो रबर नहीं होती जो हमें पेड़ों से मिलती है, लेकिन हम इसे बनाया है तो कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सिंथेटिक प्लास्टिक रबर होती है, प्लास्टिक रबर होती है, हम इसे प्लास्टिक रबर भी कह सकते हैं, हम इसे प्लास्टिक भी कह सकते हैं, उसे रबर भी कह सकते हैं। अब आता है यूजेस। यूजेस में आपको एडहेसिव के लिए काम आती है। जो इसका जो नेचर होता है वो हम एडहेसिव फॉर्म में कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी कनेक्टिंग करते हो, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जब काम होता है, वाटर हार्वेस्टिंग में काम किए जाते हैं, तो उसमें आपको जब आप सॉकेट को पाइप को कनेक्ट करते हो तो उसमें ये एडहेसिव काम आते हैं, ये एडहेसिव बनाने काम भी आते हैं, यानी कि जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं चिपकाने वाला पदार्थ, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम फेविकोल हमारे पेज चिपकाने के लिए आते हैं, वैसे ये चिपकाने वाला पदार्थ होता है एडहेसिव। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में बहुत सारे यूज किया जाता है, इंसुलेटिंग का काम करती है। उसके बाद सीलिंग प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया सीलिंग के काम आते हैं। आप जब कभी आप मोटर कनेक्ट करते हो अपने, वाटर मोटर आपके घर में होती है, जब आप उसकी पंप के ऊपर जो टरबाइन के ऊपर जो पाइप लगा होता है और आपके घर में जो फिटिंग के लिए जब पाइप जाता है तो उसमें एक हम बीच में एक रबर लगाते हैं, ब्लैक कलर की होती है, कभी आप देखना ट्रायंगुलर शेप में होती है, उसी में उसके बाद हम उसके अंदर स्क्रू लगा के टाइट करके फिट कर देते हैं। उसके बाद टॉय स्टिक पे काम आते हैं, यानी कि टॉय स्टिक में जो बच्चे के रबर की जो स्टिक्स होती हैं, जो जोकर लोग ज्यादातर यूज करते हैं, वो यही होती है, इसी ईवीए की बनी होती है। फॉर्म शीट्स में काम आता है, रेजिन मेकिंग में आता है, रेजिन में काम आते हैं बनाने के। तो ये तो हमारे ईवीए है।
इस मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा मेन फोकस हमारी प्रॉपर्टीज पर, हमारे यूजेस पर होना चाहिए। यूजेस कहाँ कहाँ है और इसकी डेंसिटी और इसके मेल्टिंग पॉइंट, सबसे मेन चीज यही बताई थी मैंने आपको कि डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है। तो ये था ईवीए आज के लिए, बस इतना ही। थैंक यू।